नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि किसी किसान भाई के पास मान लो जगह कम है और घास लाना है या कुछ भी काम करना, तो कैसे करें। तो भाइयों, ये ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला क्या बोलते हैं जो इसे, ये तो पता नहीं, पर ये बनवाया और ये लगभग 1.5 क्विंटल पौने 2 के आसपास है। तो भाई ये थोड़ी सी जगह में को भी घूम जाएगा और ट्रैक्टर के पीछे लग के रोटर की ढाल उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जगह में को आ जाए। इसमें अपना 2-3 डांगरों का घास आराम से आ जाए। और कुछ भी जैसे कहीं भी शहर से कुछ भी लाना, जैसे यूरिया के कट्टे हैं, डाई के, या सब्जी वगैरह कुछ भी, तो थोड़ा बहुत सामान हम शहर। और लगभग 5-6 क्विंटल वजन तक तो कोई भी ट्रैक्टर हो, अब मान लो ये आयसर है 200 बैल, इसकी भी 10 क्विंटल की क्षमता है उठाने की, तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी उठाने में। और जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके तो बात ही अलग है। किसान के पास इतने पैसे होते हैं कि सामान खरीद लें, मान लिया झोटा बुग्गी भी चाहिए, ट्रॉली भी चाहिए, इससे तो अच्छा है अपना 10-12 हज़ार का बन जाए, इसे बनवा लो और अब छुट्टी कुछ हो लाओ जाओ। गोले हैं, थोड़ा बहुत सामान वैसा भी आ जाएगा। मान लो कहीं बाहर जा रहे अपना, इसे ले जाओ जोड़ के, और जो भी लेना 5-6 क्विंटल तक का सामान वो ले आओ, तेल का। और ट्रैक्टर छोटा होना चाहिए बस, मान लो बड़ा ट्रैक्टर होगा वो उसका तेल का एवरेज नहीं आनेगा रोज घास में, इसलिए ट्रैक्टर छोटा हो। और ये हो तो उसमें बुग्गी छोटे की कोई ज़रूरत नहीं, फिर कम पैसों का बढ़िया जुगाड़ है जी। और छोटा सा ट्रैक्टर है क्या चला है भाई। ये बात ठीक लगी हो तो लाइक कर दियो वीडियो को और शेयर भी करियो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। धन्यवाद।